जान कौन हूँ मैं पहचान लेगा खामा खामे आके बेटा मेरे एहसान लेगा क्या चल काफी है बेची तूने ज्ञान की दुकान मेरी मान छोटे बच्चे की तू जान ले सुबह सुबह काम कर भी रही हो या बस टप 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 प्रटेंड कर रही हो थैंकलेस आदमी तुम्हारी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे सोशल मीडिया क्या बकवास चीज है उसको पीछे करो अगर कोई काम करना है तो मैंने गाना बनाया उसे सुनो और फीडबैक दो पहले किसी को सुनाया नहीं यू आर द लकी फर्स्ट लिसनर सुनाओ इधर नहीं कहीं चलते हैं चलते हैं फिर मुझे दो मिनट दो क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पे भी एक दो चीजों को सॉर्ट आउट करना है चलो ढाई मिनट ले लो अशोकी अब 12 तारीख याद रखनी है और खाना खुलने से पहले आना फिर नहीं गया ना मटन नहीं मिला वालेकुम सलाम 12 तारीख याद रखनी है टाइम पे आ जाना खाने से पहले सुकरा खाला 12 तारीख बच्ची को आके दुआएं देनी है आपने बहुत खुश हो राजू अब मिर्जे ये लफ्ज खुश जो है ना ये भी छोटा लग रहा है मुझे दुनिया की हर चीज ही अच्छी लग रही है देखिए गली जो है ना मुझे ऐसी खुली और खुशबूदार लग रही है हवा नहीं चल रही लेकिन ऐसे ठंडे ठंडे झोंके आ रहे हैं हवा के अब 12 तारीख याद रखनी है और तो और मुझे तो वसीम बुलबुला की ठंडी जुगतों पे भी ना आधा आधा घंटा हंसी आती रहती है तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी मुझे तू भी अच्छा लग रहा है मैं तो बहुत खुश हूँ तू सुना बस राजू हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जिए क्या खबर कल हम रहे ना रहे और मिर्जे ये तेरा कलाम है वो खाम खाई मशहूर हुआ फिर रहा है इस पे जो हस्बे हाल है वो अपना ही हुआ अच्छा अच्छा मैं ये सोचा था मिर्जे शादी वाले दिन ना मैं तेरे घर पे तैयार हूँ और तेरे घर से ही मेरी बारात निकले तेरे अलावा मेरा यार है ही कौन ठीक है राजू उस घर से किसी की बारात तो निकलनी ही थी तुम्हारी ही सही इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी कयामत से पहले कयामत है यार अब मेरी दुनिया मेरे सामने लुटेगी ये भी तेरा कलाम है मिर्जे अताउल्लाह खान साहब ऐसे मशहूर हुए हैं इसको बस राजू जिंदगी में खुशियों के साथ गम भी होते हैं जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं यार मातम की बातें तो ना कर इतनी मुश्किलों से तो मेरी शादी हो रही है खुशियों की बात कर तू ना मेरे लिए वो लिख दे सेहरा वैसे राजू सेहरा भी क्या खूब इजाद है कैसे कैसे ऐब छुपा देता है ऐसा लगा कबीर दिस इज हाँ दिस इज इनसेन ये तुमने खुद लिखा है हाँ यार मैंने ही लिखा है नहीं इसके वो क्या तुम लफ्ज इस्तेमाल करते हो क्लाइरोस्कोप कैडेंस या दैट बेसिकली जो जो इसकी टेम्पो है जो इसकी रिदम जो इसका रिदम है जो लिरिक्स हैं ये तुमने लिरिक्स लिखे हैं हाँ लिखा तो खुद ही है सो बेसिकली मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ ऑफ कोर्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक विक्की की बैंड बजने वाली है तुम तो उसे स्टेज पे फेंक दोगे यार उड़ाड़ा के कोई एनी रूम फॉर ये तुमने किसी और को सुनाया और am I the first one? No, no, you're the first one. तुम audience हो ना, you're the audience. So I need a very raw opinion अभी. मुझे completely raw feedback चाहिए, कोई bias नहीं चाहिए. So of course सही कह रही हूँ. तुम I think तुम बाकियों को भी सुनाओ अपने दोस्तों को, उनका feedback लो. जितना feedback मिलेगा उतना ही अच्छा होगा. I mean the more the merrier, right? Excuse me, आप साइड पर बैठिए. Oh my God, आप कबीर हैं? मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. आप प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी खींच लें, प्लीज.
थैंक यू। ये 25 लाख रुपए की एक तस्वीर होगी, तो ये मेरी मैनेजर है, आप इनसे नेगोशिएट कर सकती हैं। यार कब आई हो तुम? उफ यार, बस सुना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हो रही है, टिकट लिए और आ गई। सही सी बताओ ना, कब आई हो? एकदम टपक गई हो यार, इट्स बीन सो लॉन्ग। कमाल है, तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा मैं स्पेशली तुम्हारे लिए सात समंदर पार करके आई हूँ। सात समंदर पार करके आई हूँ। It's good to see you, यार. This is Zara, by the way. Manager? Oh no, she's an artist. Oh, okay. Yeah, she's a stand-up comedian. Oh, and nice to meet you. How are you? I'm good, thank you. And Zara, this is Isha. She's a very, very, very old friend. Very, very old. Itni old ki tumhari memory se wipe ho gayi. I'm surprised ki tumne mujhe recognize kiya. Thanks. Toh koi bhulne wali cheez hai? Tum kahan gum ho? Matlab bilkul hi scene se vanished. Luckily, मैं you know, cafe का Instagram page follow करती, तो मैंने तुम्हारे rap battle का वहाँ पे update देख लिया। गायब नहीं हूँ, बस वैसे ही। Oh my God, तुमने बाल भी लंबे कर लिए? Cute लग रहे हो, ऐसे अच्छे लग रहे हो। नहीं, I think तुम्हारे साथ last लंबे छोट। नहीं, ओ तुम्हारे साथ तो कटवाए थे मैंने। Oh my God, वो जो राबिया के हॉस्टल के साथ जो जगह थी। क्या याद करा दिया तुमने सारा, क्या कैरेक्टर था यार वो। वो जगह भी खुली हुई है? नहीं मैं तो मैं से पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पे होते हो, मैं नहीं। मैं कौन सा रोज वहाँ जाई जाता हूँ भाई। ऐसे ना, मुझे लगता है कि तुमने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया है और तुम बस हर्मिट बन गए हो। अच्छा सैड ना हो ना, अब मैं आ गई हूँ, अब सारे पुराने दोस्तों से और सारी पुरानी जगह हम इकट्ठे विजिट करेंगे, ठीक है? डील। यार आई मिस्ड यू मैन। तुम्हें देख के ना पुराना दौर याद आ गया वापस। एक्सक्यूज मी, वैसे मैं वापस आ गई तो कैसे हो सकता है कि तुम्हें पुराना दौर वापस याद आए? ओ पुत्र, ओ बस कर बेटा, अब क्या फूलों में खुशबू भर रहे हो? हाथ धो गई यार। ओ कोहिया करो, अभी तक इसी तरह ही फिर रहे हो? ओ बस अब्बा जी आ रहे हैं, थोड़ी देर दे। सुबह से बूढ़ा बाप अकेला लगा हुआ, नाम मुरादो। शाबाश बेटे, आपने हमसाए होने का हक अदा कर दिया है। आप सुबह सुबह कुक्कड़ की बांग पे ही आ गए थे, मैं आपका भी और कुक्कड़ का भी बड़ा मशकूर हूँ। मोहब्बत की इंतहा कर देंगे, खुद अपने हाथों से उसको विदा कर देंगे, रोक लेंगे आंसू, छुपा लेंगे सिसकियां, उसकी शादी पर हम खुद लगाएंगे कुर्सियां। स्माइल कर जारा अफरीन। और कितना टाइम है बच्चे? बस भाभी थोड़ा सा, बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। माशाल्लाह डॉल ही लग रही है पूरी। वसीम कह रहे हैं कि तकरीबन सब मेहमान आ गए हैं, अब जो भी करना है जल्दी जल्दी करो। भाभी रेडी, बस दुपट्टा ही सेट करना है मैंने। हाँ हाँ, तो बस जल्दी से करके ना, तो आ जाओ। अच्छा ओके। कबीर ने कब तक आना है? उसे कहना अच्छा सा तैयार होके आए। खाला बस आता ही होगा, बल्कि मैं पता करती हूँ। हाँ जल्दी कर। एक मिनट, इधर से। ऐसे ऐसे काम यूजली लोग घर पे करते हैं। हेलो, कहाँ हो कबीर? हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। हो कहाँ? नहीं नहीं, निकल आया हूँ मैं, बस पहुंच रहा हूँ। वो ईशा के साथ हूँ ना, ईशा गाड़ी चला रही है। हाँ आ रहा हूँ। ओके देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।